टूनी गरीब माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही उसने गरीबी में जीवन काटा था। एक दिन टूनी की शादी पास वाले जंगल में एक अमीर पक्षी से हो जाती है। टूनी ढेरों सपने अपनी आंखों में सजाए डोली में बैठकर अपने कालू कव्वे के घर चले जाती है। अरे बाप रे कालू जी, आपका कितना बड़ा घर है। ऐसा घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था। तब ही टूनी चिड़िया की सास टूटी चिड़िया भी आ जाती है। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा वेलकम है। अरे कालू बेटा, बहू तो लगता है बहुत थक गई है, जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ। चलो टूनी, मेरा कमरा ऊपर है। कालू कव्वा टूनी चिड़िया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तुम यहाँ आराम करो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। कालू जी जल्दी आइएगा। कालू जी और इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा था। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कालू जी जैसे पति मिले। शायद मेरे किसी अच्छे कर्म का ही नतीजा होगा। तभी उसकी दो नंदे बूढ़ी और पिंकी चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। भाभी सो गई हो क्या? हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए 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 नंद जी, मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी। टूनी अपनी नंदों के साथ बहुत बातें करती है और वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है कि उसका इतना अच्छा खानदान है। कुछ दिनों के बाद कालू कहता है, टूनी मेरी नौकरी चले गई है और अब मुझे जल्द ही दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा कालू जी, आपकी नौकरी कैसे छूट गई, घर कैसे चलेगा? मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। तुम्हारी दो बहनें अभी कवारी हैं, इनकी शादी कैसे होगी? माँ माँ तो फिक्र क्यों कर रही है, मैं नौकरी की तलाश तो कर ही रहा हूँ, मैं दोनों की शादी जल्द ही करवा दूंगा। कुछ अरसे के बाद पिंकी चिड़िया की भी शादी हो जाती है और कालू कव्वे की जितनी भी जमा पूंजी थी वो उसकी शादी में खर्च हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, कालू जी आपको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आपके पास कोई कारोबार नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे भला? तुम फिक्र नहीं करो टूनी, मैं जल्द ही नौकरी ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया के अंडों में से दो जुड़वा बेटियां निकलती हैं और टूनी की सास कहती है, सोचा था के बेटे होंगे तो मेरे बेटे का सहारा बनेंगे, लेकिन यहाँ तो ये दो दो बेटियों को पैदा करके बैठ गई है। टूनी को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। बेटा अभी तुम्हारी दूसरी बहन बैठी हुई है घर में, माँ तुम परेशान ना हो, मैं ये घोंसला बेच दूंगा और इससे जो पैसे आएंगे मैं उससे अपनी दूसरी बहन की भी शादी कर दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर कालू कव्वा अपना वो घर कुछ पैसे लेकर बेच देता है, वो अपनी दूसरी बहन की भी शादी कर देता है और खुद एक किराए के घर में चला जाता है। कालू जी मुझसे अपनी बेटियों की भूख नहीं देखी जा रही, मैं इनका गला घोंट कर इनको मार दूंगी, या आप जाकर कहीं से कुछ दाना लेकर आएं। बेटा तुम्हारी बहनों से मैंने मिलने जाना है, उनको कुछ सामान भी देना है, कुछ तो पैसे कहीं से ले आओ ना। माँ टूनी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ,
कौवा घर से चला जाता है। वो इतना ज्यादा परेशान था कि वो खुदकुशी कर लेता है। मुझे क्या पता था कि मेरा शोहर खुदकुशी ही कर लेगा। मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए। वो ये सारी बातें बंटी कबूतर से कर रही थी। वो टूनी का बचपन का दोस्त था। वो मन ही मन में टूनी को पसंद भी करता था, पर कभी टूनी चिड़िया से कह नहीं सका था। टूनी, टूनी तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा खासा चूड़ियों का कारोबार है। तुम मुझसे चूड़ियां लेकर बेचना शुरू कर दो। कालू की मौत के बाद टूनी चिड़िया ने बहुत मेहनत की। टूनी की आवाज सुनते ही लोगों को पता चल जाता था कि चूड़ियों वाली आ गई है। वो जल्दी से जाते और चूड़ियां लेकर आते। टूनी उस रकम से बड़े अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी और वो अपनी सास का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। फिर एक दिन अपनी सास के कहने पर वो कबूतर के साथ शादी कर लेती है और वो उन्हीं के साथ उनके घर में रहना शुरू कर देता है। और वो उसकी सास और बेटियों की भी बहुत इज्जत करता था। देखा दोस्तों, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।